रुक कर लेते हैं। पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां अध्यापकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कुछ अध्यापकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, रोजगार की मांग कर रहे थे ये अध्यापक। बड़ी खबर पटियाला से, जहां पर बेरोजगार अध्यापक जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है इन अध्यापकों पर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप पटियाला से, जहां पर बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, अध्यापकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ये बड़ी खबर। कुछ अध्यापकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, बड़ी खबर। अहम जानकारी, रोजगार की मांग कर रहे थे ये अध्यापक और अब इन पर लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस ने अध्यापकों पर लाठी चार्ज किया है। पटियाला से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल तैनात है मौके पर और प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार अध्यापकों पर लाठी चार्ज किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अध्यापकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, प्रदर्शन कर रहे थे ये, रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। कुछ अध्यापकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, बड़ी खबर। अहम जानकारी पटियाला से, जहां पर पुलिस ने बेरोजगार अध्यापक जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलजीत मेरे सहयोगी पटियाला से लाइव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बलजीत, क्या पूरा मामला था ये जो बेरोजगार अध्यापकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा? जी भतीजा जी, बात करते लंबे समय से जो अपनी संघर्ष, अपनी जो हकी मांगों को लेकर जो पंजाब सरकार के खिलाफ इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया था, जो शाही शहर पटियाला के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव करने जा रहे थे पंजाब बेरोजगार अध्यापक की तरफ से, जो कि इन्होंने इनकी हकी मांगी थी, जो लंबे समय से पंजाब सरकार इनको लावेट इनको जो अक्सर ये आते हैं, जो इनको बेरोजगार को जिनको रोजगार नहीं दिया जाता, वो अपनी हकी मांगों के लिए इनकी यही मांगे थी कि हमको पक्के किए जाए, लेकिन ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। जी बलजीत, इससे पहले भी इन अध्यापकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, और अगर मैं सही हूं तो उससे पहले भी इन पर लाठीचार्ज की सिचुएशन आई थी। जी जी भतीजा जी, बात करें अक्सर जब भी जाते हैं इनके ऊपर में लाठी चार्ज होते हैं, लेकिन इनका भी यही है कि इनको जो इनकी मांगे हैं जो पंजाब सरकार की तरफ, वही बात करें जो पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो दावा किया गया कि 85% हमने वादे किए, लेकिन हमारी टीम से भी इन्होंने बात करके यही मांग किया कि पंजाब सरकार ने तक कोई मांगे नहीं किए, अगर इन पंजाब सरकार अगर मांगे पूरी करती तो आज ये नौबत नहीं आती है धरना प्रदर्शन देते। बलजीत, कुछ अध्यापकों को हिरासत में भी लिया गया है यहाँ पर? जी 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 मैम, बात करिए भतीजा जी, जीते की कुछ हिरासत हो जो पंजाब पुलिस की तरफ से इनको कहा गया था कि हम आपको पंजाब सरकार के साथ बात करा देते हैं आपको डेढ़ तारीख से, लेकिन इनका अक्सर यही कहना कि हमको हमेशा जो है कि मांग पत्र दे के कि हम थक गए, लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी होते, लेकिन इसको देखते समझा पंजाब पुलिस को समझाएगा ना मानने पर पटियाला पुलिस की तरफ जो सिक्योरिटी को देखते हो कि इनके ऊपर में लाठी चार्ज किया गया था, लेकिन वहीं पर बता दे कि कुछ इनके साथियों को पटियाला पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया। जी बलजीत, अगर स्थिति की बात करें फिलहाल किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, क्या जो बेरोजगार अध्यापक है प्रदर्शन कर रहे थे वो वापस लौट चुके हैं? जी बात करेंगे इनके जो हमारी टीम से, इन्होंने कहा कि हम जो अभी पंजाब चल रहा है जो अपनी मांगों के लिए अपनी हकी मांगों के लिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री कोठी का घेराव करने जा रहे हैं, जो कि पटियाला पुलिस ने उनको गिफ्ट ने उनको लाठी चार्ज किया गया, वो कहते हैं हम गुप्त जो अपने